ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉक शो खत्म हो चुका है। भाई आज के रॉक ऊपर हमें बहुत सारे कमाल धमाल के चीजें देखने को मिली। सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन को विक्ट्री मिल गया। ब्रॉक लेसनर ने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से कोडी रोड्स को कूटा आज के शो के ऊपर। इसके अलावा और भी हमें बहुत सारे चीज देखने को मिले आज के शो के ऊपर। आइए हम जानते हैं सारा कुछ आज की इस वीडियो के अंदर। तो बस भाई अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आज का मंडे नाइट रॉक का स्टार्टिंग हमें लोगन पॉल के द्वारा देखने को मिलता है। भाई मैं जैसे ही लोगन पॉल को देखा मैं सो गया था लिटरली। सबसे पहले हमें लोगन पॉल की तरफ से बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा एक बहुत बड़ा प्रोमो देखने को मिलता है। उसके बाद वो रिको से कॉल आउट करते हैं। रिको से भी हमें रिंग के अंदर देखने को मिलता है। जैसे ही रिको से आते हैं रिको से के ऊपर शॉट लेना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि समंथा तुम्हारा रिसेंट टाइम में शादी हुआ है ना, और जब समर स्लैम का मैच होगा तो समर स्लैम के लास्ट में तुम्हारी वाइफ समंथा मेरा नाम लेगी, मैं जीतूंगा उस मैच के अंदर। लोगन पॉल उसके बाद और भी बहुत सारे शॉट लेते हैं। बोलते हैं रॉयल रंबल के अंदर हम लोगों ने जो स्पॉट किया था उसके बाद तुम हाईलाइट के अंदर आए डब्ल्यू लीग के अंदर। एक्चुअली लास्ट में क्या होता है रिको से बर्दाश्त नहीं होता, रिको से अटैक करना शुरू कर देते हैं लोगन पॉल के ऊपर। भाई जैसे ही टॉप रोप से रिको से जंप करने वाले होते हैं लोगन पॉल के ऊपर, लोगन पॉल यहां पर अपना लकी पंच मार देते हैं। आपको पता है लोगन पॉल ने अपने लकी पंच से बहुत सारे रेसलर को सुला दिया। सेथ रॉलिंस हो गए, रोमन रेंज हो गए, मिज हो गए। तो लास्ट में यहाँ पर लोगन पॉल मस्त अपना स्मार्टफोन निकालते हैं, उसके बाद एक छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं रिको से के साथ। नेक्स्ट इसके बाद शो के ऊपर हमें लुबली काइजर और मैट रियल के बीच में हमें 1v1 मैच देखने को मिलता है। ये मैच ऑलरेडी पहले से लॉन्च हो चुका है। भाई ये मैच स्टार्ट होने से पहले गुंथर वार्निंग दे देते कि तुम्हें इस मैच के अंदर हारना नहीं है, और एग्जैक्टली यही चीज देखने को मिलता है। लुबली काइजर अपना फिनिशर लगा के इस मैच के अंदर मैट रियल को हरा देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद शो के ऊपर हमें वही ड्रामा देखने को मिलता है जो कि पिछले एक साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चल रहा है। आज हमें शो के ऊपर वालहाला वर्सेस मैक्सिम ड्रूबिन के बीच में एक हमें सिंगल मैच देखने को मिलता है। और हाँ आप लोग टेंशन मत लो, इनका रिवलरी कभी भी खत्म नहीं होने वाला। नेक्स्ट वीक हमें फिर से इनका मैच देखने को डेफिनेटली मिलने ही वाला है। वैसे अगर हम लोग इस मैच के बारे में बात करें तो हमें चैट केवल की तरफ से बड़ा कमाल का परफॉर्मेंस इस मैच के अंदर देखने को मिलता है। इस मैच का अगर ओवरऑल अगर हम लोग रिजल्ट का बात करें तो इस मैच के अंदर अल्फा एकेडमी को ही विन मिलता है। बहुत ज्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता नेक्स्ट वीक फिर से इनके बीच में मैच देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें जजमेंट डे देखने को मिलता है। जनरली मंडे नाइट का स्टार्टिंग जजमेंट डे ही करते हैं, पर आज के शो के ऊपर उन्होंने नहीं किया था स्टार्टिंग। जजमेंट डे जैसे ही रिंग के अंदर आते हैं एक एक करके सारे लोग अपना अपना प्रोमो कट करते हैं। डेवन प्रीस्ट सबसे पहले करते हैं, फिन बैलर करते हैं, उसका मामी करते हैं। भाई यहाँ पर जैसे ही डॉमडॉम का बारी आता है आई थिंक आप लोग सारे लोगों को पता चल गया होगा यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा बू करने लगते हैं डॉमडॉम। मामी यहाँ पर क्राउड को शांत करने का कोशिश करती है, साथ ही साथ इस बात को बोलती है कि मिस्टीरियो फैमिली का नाम रोशन कर रहा है डोमिनिक मिस्टीरियो। भाई कुछ ही देर बाद हमें रिंग के अंदर हमें रकेल देखने को बोलते हैं और रकेल आकर अटैक करना शुरू कर देती है मामी के ऊपर। भाई मैंने रेसलमेनिया के बाद फर्स्ट टाइम देखा था कोई वुमेन्स रेसलर आकर रिया रिप्ली के ऊपर इतना बुरी तरीके से अटैक की हो। पर भाई यहाँ पर कुछ ही देर बाद कोडी रोड्स वाला हाल यहाँ पर रकेल का हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को मारते हैं कोडी रोड्स का हाथ ही टूट जाता है, यहाँ पर सेम रकेल का यहाँ पर पैर ही टूट जाता है। उसके बाद थोड़ा सा स्टील यहाँ पर मामी अटैक करती है रकेल के ऊपर, पर यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सारा लोग आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें बहुत बेहतरीन वीडियोस फोटेज देखने को मिलता है रोंडा रॉजी और सेना बेजलर का। इन्होंने जहां जहां साथ में कम्पीट किया भाई एक्चुअली पूरा वीडियो यहाँ पर चलाया जाता है, मेरे ख्याल से 10 मिनट का पूरा वीडियो होगा। आज के मंडे नाइट रॉक पर इनका कोई प्रोमो वगैरह वाला सेगमेंट नहीं था, सिर्फ इनका वीडियोस फोटेज यहाँ पर दिखाया गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें टोमासो चैंपा और शिंसुके नाकामुरा के बीच में हमें 1v1 मैच देखने को मिलता है। मैं इस मैच के बारे में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलने वाला, इस मैच के अंदर टोमासो चैंपा हार जाते हैं, शिंसुके नाकामुरा को विक्ट्री मिल चुका है इस मैच के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हमें बैक स्टेज क्या देखने को मिलता है, अल्फा एकेडमी के सारे मेंबर यहाँ पर खड़े रहते हैं, उनको इंटरप्ट करने के लिए यहाँ पे इंपीरियम के सारे मेंबर आते हैं और इसी बीच इनके बीच में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो चैट केवल रहते हैं यहाँ पर गुंथर को चैलेंज कर देते हैं मैच के लिए, और ये मैच आज के शो के ऊपर सेट भी हो चुका था जहाँ गुंथर इस बात को बोलते हैं कि मैं 5 मिनट के अंदर तुम्हें मैच के अंदर हराने वाला हूं। नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर देखने को मिलते हैं, जिनका हमें बहुत अच्छा वाला प्रोमो देखने को मिलता है। ब्रॉक लेसनर यहाँ पर बोलते हैं भाई मैंने जितने भी कंपनी के अंदर काम किया सारे कंपनी का मेन चैंपियनशिप मैंने विन किया है, और इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा भी काम तमाम करने वाला हूं इस बार का समर स्लैम के अंदर, और इस चीज के लिए मुझे भी पैसा दिया जा रहा है और तुझे भी पैसा दिया जा रहा है, पर तुझे पैसा दिया जा रहा है मार खाने के लिए, मुझे पैसा दिया जा रहा है तुम्हें मारने के लिए। तो सिंपल तुम एक काम करो मेरे साथ आओ, हैंडशेक करो रिंग के अंदर, उसके बाद मैं तुम्हें देखूंगा समर स्लैम के अंदर। अगर तुम मेरे से अगर आकर अभी हैंडशेक नहीं करोगे फिर भी मैं तुम्हें देख लूंगा इस बार का समर स्लैम के अंदर। मतलब भाई यहाँ पर कोडी रोड्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद ब्रॉक लेसनर 1 2 3 गिनना भी शुरू कर देते हैं, 5 सेकंड तक कहते हैं मैं इंतजार करूं। नेक्स्ट उसके बाद हमें कोडी रोड्स रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। कोडी रोड्स सोचते हैं चलो ठीक है भाई हैंडशेक का ही बात है, हैंडशेक हम कर लेते हैं इनके साथ। ब्रॉक लेसनर भी उसके बाद थोड़ा सा शरीफियत दिखाते हैं, ब्रॉक लेसनर बस थोड़ा सा यहाँ पर धक्का देते हैं कोडी रोड्स को, उसके बाद वहां से चले जाते हैं। भाई ब्रॉक लेसनर का थोड़ा सा धक्का देना कोडी रोड्स को बुरा लग जाता है, कोडी रोड्स ऊपर से जंप कर जाते हैं ब्रॉक लेसनर को, और भाई उसके बाद जो ब्रॉक लेसनर स्टील स्टेप से बजाए भाई सच में देखने में मजा आ गया। ब्रॉक लेसनर सबसे पहले एक बार स्टील स्टेप से मारते हैं, उसके बाद जाने लगते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मारते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, वापस फिर मारते हैं, ऐसे 4 से 5 बार करते हैं, उसके बाद लास्ट में लाते हैं कोडी रोड्स को रिंग के अंदर, उसके बाद कोडी रोड्स को यहाँ पर F5 लगा देते हैं। जैसा कि आप लोग को आइडिया लग गया हो कोडी रोड्स को ऑलरेडी यहाँ पर हाथ टूट चुका है आज के शो के ऊपर। मतलब भाई कोडी रोड्स क्या है मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे संदीप महेश्वरी बनते हैं, ऐसे ब्रॉक लेसनर उनको छूते हैं उनको इंजरी हो जाता है। बैक स्टेज यहाँ पर हमें कोडी रोड्स का प्रोमो भी देखने को मिलता है जहाँ कोडी रोड्स इस बात को बोलते हैं कि मेरा चाहे हाथ टूट जाए मेरा चाहे पैर टूट जाए मैं ब्रॉक लेसनर को हराने वाला हूं। भाई इतना मोटिवेशन मुझे अगर कोई पहले देता मैं पक्का IAS बन जाता। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें ट्रिश स्टेटस और बैकी लिंच का हमें सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ इनके बीच में झगड़ा वगैरह हो जाता है। बस आप लोग समझ लो समर स्लैम के लिए इनका बस बिल्ड था, मेरे ख्याल से मैच भी कंफर्म हो गया इनका समर स्लैम के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कंफर्म करके बता दूंगा इस पूरे सेगमेंट को मैंने एक्चुअली मिस कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें
चैट केवल और गुंथर के बीच में हमें 1v1 मैच देखने को मिलता है। जैसा गुंथर इस मैच के अंदर क्लेम किए थे कि मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर हरा दूंगा, ये मैच 5 मिनट से काफी लंबा चला था। पर हाँ, अगर ओवरऑल अगर हम लोग मैच के बारे में बात करें तो इस मैच के अंदर गुंथर को ही विक्ट्री मिल चुका है। गुंथर इस मैच के अंदर विक्ट्री लेने के बाद जाते हैं कमेंट्री टेबल के ऊपर। कमेंट्री टेबल के ऊपर लास्ट यहाँ पर वार्निंग देते हैं ड्रू मैकएंटायर को। ड्रू मैकएंटायर आज के शो के ऊपर ऑलरेडी नहीं थे, मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर बता देता हूँ, फिल्म के शूटिंग के लिए गए हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है, सैमी जेन सेथ रॉलिंस वर्सेस जजमेंट डे के बीच। और भाई ये मैच स्टार्ट होने से पहले सैमी जेन और सेथ रॉलिंस दोनों मिलकर ढावा बोलती है जजमेंट डे के ऊपर। सेथ रॉलिंस मैच स्टार्ट होने से पहले फिन बैलर के ऊपर अटैक कर देते हैं, फिन बैलर भाग जाते हैं बैक स्टेज के ऊपर। और फिर रिंग साइड के ऊपर बसती है मामी, और भाई मामी इस मैच के अंदर बहुत ज्यादा भर भर के इंटरफेरेंस कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैच के लास्ट में क्या होता है, डेमन प्रिस्ट बहुत ज्यादा बुरी तरीके से कूद जाते हैं सेथ रॉलिंस को रिंग के अंदर। भाई उसके बाद डेमन प्रिस्ट को यहाँ पर दिख जाता है अपना मनी इन द बैंक, वो सोचते हैं मनी इन द बैंक कैश इन करने के लिए। तभी हमें वहां पर फिन बैलर भी देखने को बोलते हैं, फिन बैलर इसी चलाकी में होते हैं कि डेमन प्रिस्ट का मनी इन द बैंक कैश इन सक्सेसफुल हो जाए या फिर फेल हो जाए। वो तुरंत ही यहाँ पर मनी इन द बैंक लाकर डेमन प्रिस्ट को दे देते हैं, और बगल में एक्चुअली रेफरी भी खड़ा होता है। भाई जैसे यहाँ पर रेफरी के हाथ में देने वाले होते हैं डेमन प्रिस्ट, यहाँ पर सेथ रॉलिंस आकर किक कर देते हैं डेमन प्रिस्ट के फेस के ऊपर। दूसरी साइड यहाँ पर मामी खड़ी रहती है, मामी यहाँ पर रेफरी से झगड़ा करने लगती है ताकि डिस्टर्ब किया जाए रेफरी को। और इधर से आप लोग देख सकते हैं डॉमडॉम भी जाते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करने के लिए, पर भाई डॉमडॉम को भी ब्रीफकेस से वो मार देते हैं सेथ रॉलिंस। उसके बाद फिन बैलर बहुत बुरी तरीके से सेथ रॉलिंस को पकड़ लेते हैं, पर यहाँ पर हमें सैमी जेन की तरह से हलवा किक देखने को मिलता है फिन बैलर को। और उसके बाद फिर क्या था, रिंग के अंदर बसते हैं डेमन प्रिस्ट को बड़ा कमाल के यहाँ पर स्टॉम्प लगाते हैं सेथ रॉलिंस। और इस मैच के अंदर फाइनली मिल चुका है विक्ट्री सेथ रॉलिंस और सैमी जेन। अगर मैं आपको पूरा शो के बारे में बताऊं तो मेन इवेंट बड़ा कमाल का था, उसके बाद ब्रॉक लेसनर का सेगमेंट बड़ा कमाल का। और हाँ, आप लोग सारे लोग जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना होगा भाई, सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।